नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज साथ। मैं हूँ रूहानी। कहीं ना कहीं वित्त मंत्री जब समक्ष आती है सबके और कहती है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला है और उसमें जम्मू कश्मीर को एक सौगात मिली जिसमें निजीकरण किया गया बिजली विभाग का, जिसके विरोध में यूथ कांग्रेस जो है आज प्रदर्शन कर रही है। आपको तस्वीरें हम जम्मू के कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स के बाहर से दिखा रहे हैं। हालांकि ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया था कि जब 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें कोरोना काल में रहना सीखना होगा, हमने बचाव करना होगा लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल में रहना सीखना होगा, हमें अपनी जिंदगी जो है इसके आगे पीछे सिमट कर नहीं रखनी होगी। लेकिन सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार यूथ कांग्रेस में कहीं ना कहीं आज रोष है, गुस्सा फूटा है तमाम इन नेताओं का व कार्यकर्ताओं का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन से कमर टूट जाएगी एक विभाग की। और तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा गया है कि यूथ कांग्रेस जो है वो अगेंस्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि अगर प्रशासन की माने तो यहाँ पर ये भी तर्क दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो बिजली चोरी का मामला सामने आता था उस पर नकेल कसेगी, उस पर जो है लगाम लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस को केंद्र जो है बातें जो है इस प्रकार है कि ये लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव जो है वो नहीं चलेगा। और आपको बता दें ये पहली मर्तबा नहीं है, इसके साथ साथ जो पीडीडी विभाग से ताल्लुक रखने वाले एम्प्लॉयज है वो भी इस मसले को लेकर अपना विरोध जो है वो दर्ज करवा चुके हैं समय समय पर। लेकिन कहीं ना कहीं यूटी के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्त मंत्री ने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत की कड़ी के साथ इसको जोड़ा जाएगा और भारत जो है आत्मनिर्भर होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो कहीं कि किस तरह से जो स्मार्ट मीटर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक मीटर जिनको इंस्टॉल करने की बात आ रही है प्राइवेटाइजेशन की इस कड़ी में, उसके विरोध में ये तमाम लोग वो आए हैं। ये तमाम लोग जो है वो बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि कहीं ना कहीं वो विरोध करें। उदय जी, स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर विभाग कह रहे हैं कि बिजली चोरी पर लगाम है। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि बिजली चोरी रोकने के लिए हम बिजली को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, तो सबसे पहले गवर्नमेंट खुद ही मान रही है कि उनके कंट्रोल में नहीं है कि वो बिजली की चोरी रोक सके। इसका मतलब गवर्नमेंट खुद ही मिली है बिजली चोरी से, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इस्तीफा देना चाहिए अगर वो बिजली चोरी नहीं रोक सकती। दूसरी बात, आज इस समय जब इकोनॉमी क्राइसिस है कोरोना के कारण, दो महीने से पूरा देश बंद है, यहाँ पे यूथ कांग्रेस अपील कर रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे ज्यादा आर्थिक बोझ ना आए, बिजली और पानी फ्री किया जाए। वहां पे ये बिजली का निजीकरण कर रहे हैं और मीटर्स, इलेक्ट्रिक मीटर्स लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स के बाद ये बिजली महंगी भी कर देंगे। तो एक तरफ से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं आगे ही आहित हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, पैसा नहीं है लोगों के पास, बंद है सब कुछ और उल्टी हो, और दूसरी तरफ से ये आर्थिक दबाव और जम्मू के लोगों पे डाल रहे हैं। इसका विरोध यूथ कांग्रेस आज कर रही है। विभाग के तमाम कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोला और उन्होंने कहा है निजीकरण के खिलाफ है, हमें नहीं पता अगर आप नीचे तो सैलरी या विभाग देगा या कोई व्यक्ति देगा जिसके हाथ में। पहली बात, सैलरी कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी वो दूसरी बात है, प्राइमरी थिंग ये है कि वो जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं सब बिजली पावर डिपार्टमेंट के, उनकी नौकरियां रहेंगी कि भी नहीं रहेंगी, या कुछ लोगों की रहेंगी तो वो क्या कितनी सैलरी होगी और कब तक टेम्परेरी रहेगी कि परमानेंट रहेगी, वो अपने परिवार जिनकी नौकरियां यहाँ से जाएंगी जो अभी पावर डिपार्टमेंट में है, उनको अगर ये प्राइवेट डिपार्टमेंट बाहर निकाल देगा तो वो अपने बच्चों का, अपने परिवारों का देखभाल रक्षा इस मुश्किल समय में वो कैसे करेंगे, इसका जवाब बीजेपी को देने की जरूरत है। ये मानवता के खिलाफ ओत प्रोत होगा जम्मू और कश्मीर, लग रहा है विभाग जो है सुविधाओं से प्रोत करेगा जब प्राइवेटाइज हो जाएगा। 2 लाख इलेक्ट्रिक मीटर लगाने की बात किया, पैम्पलेट के सहारे बता रहे हैं विरोध दर्ज करें, लेकिन कितनी सुविधाएं मिलने वाली? सुविधाएं हमें ये मिलेंगी पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ बिजली का यूनिट 2.5 रुपए की है तक जाएगी, ये सुविधा होगी। यहाँ पे एक आम परिवार का खर्चा बिल 500 रुपए आ रहा है महीने का, वो 500 रुपए का खर्चा, वो 500 रुपए का बिल आने वाले समय में, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 4,000-5,000 आएगा और आर्थिक बोझ जो है वो आम
फायदाएं बीजेपी की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को दे रही है। साफ तौर पर ये कोरोना काल है सामान्य जनजीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का आह्वान किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा आप घरों में बने रहिए, लोगों से ये कहा आप जो है यहाँ पर इस तरह से सहयोग दीजिए कि आपको जो है कोरोना से लड़ना है और आपको जीतना है, लेकिन जिंदगी पटरी पर लानी थी और अनलॉक वन कर देंगे। लेकिन उसके बाद इनका साफ तौर पर कहना है कि हम चाहते थे कि बिजली व पानी मुफ्त दी जाए, जिस तरह से दिल्ली सरकार तमाम दावे पहले से ही करती आ रही है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ा है, कमर टूट गई है और कमर इस प्रकार टूटी है अब जो यूनिट जिसका बात ये तमाम लोग कर रहे थे अब उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी कि आम आदमी की जेब पर बहुत असर पड़ेगा। इसी के साथ कैमरामैन कुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।